हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए देखिए, ये हमारे गेंदे के पौधे इस तरह से ख़राब हो रहे हैं। अब ये जो पौधे ख़राब हो रहे हैं दोस्तों, तो ये देखिए कैसे ख़राब हो रहे हैं, क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये पौधे देखिए, इसमें मैंने बीज छिड़की थी तो बीज से ये बहुत सारे पौधे निकल आई है। पर ये पौधे तो निकल आई है दोस्तों, लेकिन इसका जो जड़ है वो फैल नहीं रहे हैं। और जब फैल नहीं रहे हैं तो ये फूल कहाँ से देगी दोस्तों। इस तरह से देखिए, ये हमारे गेंदे का पौधे है, तो इसको क्या करना है सो मैं आपको बताती हूँ कि ये गेंदे के पौधे को आपको मिट्टी से अलग करके इसको दूसरे आप बेकार बोतल में या बेकार प्लास्टिक के बोरे में लगा सकते हैं, जैसे कि आपके आटे के बोरे। मैं आपको बताती तो दोस्तों देखिए, ये हमारे आटे का पैकेट है। ये बिल्कुल देखिए इस तरह से मैंने इसको क्या करना है, आपको आधा कट लेना है। आधा कटिंग करने के बाद आप इस पैकेट में आराम से इसमें मिट्टी भरकर आप पौधा उगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको मिट्टी भरकर दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी मिट्टी है, ये बिल्कुल देखिए मिट्टी इस तरह से नमी है। और ये मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से भिंगा कर रखी है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना है, जब पौधे ग्रो ना करे तो उसको क्या करना है दोस्तों, कि इसमें देखिए इस तरह से मैंने आपको दिखा रही हूँ, रूटिंग हार्मोन के लिए ये हमारे पास हल्दी पाउडर है। इस हल्दी पाउडर को आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक चम्मच मिला देना है, क्योंकि इसमें एक चम्मच मिलाने से क्या होगा कि इसमें सारे कीटाणु या सारे इसमें जो भी फंगस मिट्टी में आते हैं, बहुत ख़राब फंगस आते हैं, तो इस तरह से इसमें डाल देना है। और डालने के बाद अपने हाथों से धीरे धीरे इसको मिला ले। इस तरह से मिलाने से क्या होगा कि इसके सारे कीटाणु एकदम अच्छी तरह से वो मर जाएगी और ये मिट्टी को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोकेगा दोस्तों। और चलिए मैं आपको अब पैकेट में भरती हूँ। इस तरह से मिट्टी को मैंने यहाँ मैंने पैकेट आटे के पैकेट काटी है, इस पैकेट में मैंने भर ले रही हूँ। और भरने के बाद इसमें मैं गेंदे के पौधे लगा कर बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे मैंने इस आटे के प्लास्टिक के पैकेट में जो मैंने मिट्टी भर दिया है, अब इसको क्या करना है कि इस गमले को आपको खाली करना है। इस गमले को खाली कर पौधे को लगा, तो आप देख रहे हो दोस्तों कि ये जड़ कितनी ख़राब हो चुके हैं। ये पौधे को बढ़ने से रोक रहा है, ये ग्रो होने से रोक रहा है। इसको आपको किस तरह से कैसे लगाना है तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो पर इस तरह से देखिए, गमले में कितनी सारी जड़ें फैला चुकी हैं। ये पौधे बिल्कुल ग्रो होने से एकदम रोक दिया है। इस तरह से मैंने देखी मिट्टी को, ये कैसी किस तरह से इनकी जड़ें हैं, जो जड़ को देख कर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा दोस्तों कि ये जड़ किस तरह से ये पौधे को ग्रो करेगी। ये पौधे बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाएगी। ये जड़ बहुत ही रेशाएं और इसमें बहुत सारी इस तरह से महीन महीन रेशाएं रस्सी की तरह भरी हुए गमले में है। तो इसको क्या करना है, आपको मिट्टी को ड्राई कर देना है, मतलब कि मिट्टी को सुखा देना है। जैसे कि मैं आपको गमले पलट कर दिखा रही हूँ, तो दोस्तों देखिए इस तरह से इस मिट्टी का सारा जड़ मैंने निकाल कर इसको धूप लगने के लिए मैंने छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इसमें धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें जो छोटे छोटे कीटाणु फैले हैं वो मर जाएंगे। धूप गर्मी की वजह से वो धूप जब लगेंगे कीटाणुओं पर तो वो खुद मर जाएगी। लेकिन इसका जड़ देखिए दोस्तों, ये जड़ बहुत ही एकदम बेकार जड़ हो चुके हैं। ये एकदम पौधे देने लायक फूल देने लायक पौधे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और ये ग्रो भी नहीं कर रहे। इस तरह से इनकी जड़ें देखिए, मैं आपको धोकर दिखाती हूँ कि इसकी कितनी रिसाएँ आपको मिट्टी से लगी हुई है, पर इसको मैं आपको धोकर दिखा रही हूँ कि ये जड़ देखिए कितनी ख़राब हो चुकी हैं। और जब ये ख़राब होते हैं दोस्तों, तो ये जड़ फूल बिल्कुल भी आपको ना मिलेगी। तो चलिए मैं आपको इस पैकेट में लगाकर दिखाती हूँ। लेकिन इस ये आप जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पौधे का जड़ मैं जब धोती हूँ, धोने से क्या होगा कि इसके सारे कीटाणु निकल जाएगी। इस तरह से मैं धोकर और इसमें आपको लगाकर मैं दिखाती हूँ। लेकिन एक पैकेट में आप दो ही पौधे लगा सकती हो, क्योंकि इसको भी अधिक ग्रो होने से रोक दोगे दोस्तों तो ये पौधे आपको बिल्कुल भी फ्लावर नहीं देगी। इस तरह से मैं आपको
दिखा रही हूँ कि ये फ्लावर है, मैंने इस तरह से ये पौधे लगाई हूँ। और यदि आपको छोटे छोटे पौधे लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसको फिर बाद में आप अलग कर लेना है, क्योंकि ये तो अभी छोटे छोटे पौधे हैं, मैंने बीज से उगाई थी, अभी ये इसका सीजन है दोस्तों। तो इस तरह से आप पौधे, गेंदे का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि इस तरह से इस पौधे बहुत ही अच्छे इसका रिस्पांस मिलेगी। और जब पौधे लग जाएंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको इस तरह से हल्दी हल्का हल्का डाल देना है, क्योंकि ऊपर का भी जो कीटाणु होंगे, वो इसमें जो फंगिसाइड लग रहे होंगे, वो आपको मर जाएगी। इस तरह से ये पौधे आप लगाने के लिए अवश्य कोशिश करें। आपके पास यदि गमला मौजूद नहीं है दोस्तों, तो आप बिना गमला के भी आप फालतू बेकार प्लास्टिक का पैकेट में लगा सकते हो। अगर पैकेट नहीं है तो आप बोरा में भी लगा सकते हो, क्योंकि सब पौधे आपको उपयुक्त मिलेंगे, उसमें अवेलेबल मिलेंगे, और ये पौधे अच्छे तरह से ग्रो मिलेंगे दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।